लो आप खुद ही, सब कुछ देख रहे हम लोगों ने, कैसे थोड़ी नहीं है, देख लो खुद ही आप। कभी जाते कभी करते, जो कोई बैठता वही सफाई करता, जो नहीं बैठता पड़ा रहता है ऐसा। तो सफाई तो का रोज थोड़ो होती है। देखिए गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, जैसा गांधी जी लगाते थे सेम वैसे ही चश्मा है, बहुत उपयोग किया गया था। बगल में अगर आप देख पा रहे होता हुआ चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और हमारे इस साइड पे देखिए जहाँ एक कैमरा सुशोभित हो रहा है, उसके बगल में हमारे योगी जी हंस रहे हैं। बीच में लिखा है जोन 5 वार्ड 7 CTI शनिदेव मंदिर संजय नगर कानपुर नगर निगम कानपुर। नीचे मंत्री उत्तर प्रदेश जी का नाम है श्री सत्यदेव पचौरी जी, प्रशासक है श्री अवनीत सिंह जी। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है संजय नगर में बना हुआ शौचालय, कानपुर का सबसे बड़ा शौचालय, 32 सीटर शौचालय है। मैं आज उसको आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, वो स्थिति कितनी भयावह है आप देख सकते हैं। ये देखो बच्चे यहाँ से उतरते कैसे, वो आने और जाने का आपको पहले तो साधन दिखा दे, एक तो वो साधन है केवल, बाकी इस उबड़ खाबड़ वाली जमीन से रास्ते से बच्चे नीचे आते हैं। ये एक छोटा सा परिवार रहता है यहाँ पर, और देखिए मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। 32 सीटर शौचालय को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। फंस गया, देखो आज गेट भी रोक रहे हैं कि सच्चाई को ना दिखाया जाए। देखिए आगे, और एक एक करके हम सारी चीजों को दिखाते हैं। पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हौज बना हुआ है पानी का, जरा दिखाइए ना इसमें कितने मच्छर पनप रहे हैं, दिखाइए। डेंगू के मौसम में मलेरिया के मच्छर और डेंगू के मच्छर कैसे यहाँ पनप रहे हैं। यहां से देखिए ये शौचालय के दिखाते चलिए इसकी गंदगी, इधर से आइए, इधर से दिखाइए आप जरा, इधर से इनकी इनकी नजर कराइए। देखिए एक एक शौचालय की स्थिति देखिए, यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, ज्यादातर गेट बंद रहते हैं। महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही असुरक्षित जगह है, उधर ही दिखाइए, महिलाओं के लिए ये बहुत ही असुरक्षित जगह है, बिल्कुल असुरक्षित जगह है। देखिए आपको अभी भी यहाँ पे देखिए ये गंदगी पड़ी हुई है। आगे बढ़ते पूरे पूरे का हाल दिखाते हैं, ये दिव्यांग का बना हुआ है, आप इसका हाल देख लीजिए, पूरे में पानी है, अगर कोई यहाँ आना चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा। इस तरीके से ये बना हुआ स्नानागार है शायद, यहाँ पे भी स्थिति देखिए गंदा पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, ये बंद है, यहाँ तो खैर ताला ही लगा हुआ है। और ये देखिए नीचे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है, एकदम आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ, गेट अंदर से बंद है। हालांकि आप यहाँ देख लीजिए, ये स्थिति देखिए आप, पूरा टूटा हुआ है। कानपुर का सबसे बड़े शौचालय की स्थिति दिखा रहे हैं, 32 सीटर शौचालय, यहाँ पे भी कोई सफाई करने नहीं आता है, कोई रखवाली करने के लिए नहीं आता है, ये स्थिति है आप देख लीजिए। इधर का भी हौज पूरा भर चुका है, पानी बह रहा है, स्वच्छ भारत क्लीन कानपुर ग्रीन कानपुर, इसके बाद पानी जो बचाने की स्थिति होनी चाहिए सरकारी विभाग के द्वारा बने हुए, और मैं जा रहा हूं अभी शौचालय के अंदर। ओह आप स्थिति देख लो भाई साहब, इधर जाने काबिल हो तो जाए, नहीं तो वापस आ जाए, या तो हमें कोई निकाल पाएगा अगर मैं बेहोश हो गया हूं तो। देखिए भाई मैं बड़ा ही मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आपको भी ले डूबूंगा। देखिए सनाब ये शौचालय की स्थिति है, और ये देखिए तो टूटी ही पड़ी हुई है पूरी पूरी, दिखाइए भैया, और ये इस कमोबस ये पूरी स्थिति आगे की भी है। अब ना ही चले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ना ही चले तो ज्यादा अच्छा। मैंने आपको, आप आराम से निकले सौरव यहाँ से, ठीक, ये देखिए ये देखिए मैं आ गया हूँ बाहर, दिखाते दिखाते हकीकत में कहीं मेरा भी फसाना न लिख दिया जाए, रजिस्टर में इतिहास के पन्नों में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए, पता चला निकल आया हूँ। ये देखिए स्थिति ये है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, लेकिन अब मैंने तो जो बताया, अब इसके बाद मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, यहाँ के लोगों से भी पूछता हूँ कि मैं वाकई यहाँ पे क्या हाल होता है, कानपुर का सबसे बड़ा जो शौचालय है उसकी स्थिति क्या है। भैया क्या स्थिति है इसकी, हम का बताएं आपके सामने है भैया। अरे मैं तो मैं देख ही रहा हूँ, कोई आता है यहाँ पे सफाई करने के लिए आता है, कोई यहाँ बैठता है कि नहीं।
कितने दिनों में आते हैं भाई? ये तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है। जब कोई पैसा देता है, जो लोग लेटरिंग जाते हैं तो मतलब सफाई होती है। जो लेटरिंग जाता है वो पैसा देता है तब सफाई होती है। बात कम समझ में आई। कैसे? यहाँ पे लगातार बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठते हैं, बैठते हैं, लगातार बैठते हैं। ये साफ क्यों नहीं होता है? साफ क्यों नहीं होता? हम समझे नहीं आपकी बात। तो आप ना हमें समझा पा रहे ना आपको समझा पा रहे। हाँ, मेरे सामने वहाँ पे ताला लगा हुआ है। आसपास के लोग ही बता पाएंगे मुझे यहाँ पे शौचालय की स्थिति क्या है भाई साहब। शौचालय हम ये कह रहे हैं ये साफ होता है आपके सामने? आप इसी मोहल्ले में रहते हो, इसका उपयोग करते हैं आप? साफ होता है? हाँ, साफ लगातार। इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ ये? तो सफाई तो का रोज थोड़ो होती है उसकी। हाँ, ये है ना कि सफाई रोज नहीं होती है। कितने कितने दिनों में होती है? अच्छा ये बताओ, हर शौचालय में कहीं ना कहीं दो आदमी बैठे होते, एक मेल बैठा होता है, एक फीमेल बैठा होता है, जो कुछ राशि लेके आपको इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है, सरकार ऐसी किसी व्यवस्था नहीं रखी कोई आदमी यार परमानेंट बैठता हो। हमें नहीं जानकारी। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ तक जानकारी नहीं है। आप बताए भैया कैसा रहता है शौचालय? गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है। सफाई के क्या अलग है? अरे सफाई होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती, वो कहीं ना होती है, सफाई नहीं होती। ये किसी साफ वाले में बैठते हैं जाके? ये साफ वाले में बैठते हैं, हम लोग गंदे वाले। आप गंदे वाले में बैठते हो जाके? पैसे से पढ़ते हैं क्या इसके लिए? पढ़ते हैं पैसे। कितना देना पड़ता है दिन में? 5 रुपए। आओ दादा नीचे आओ, थोड़ा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आओ चाचा, नहीं तो हम साथ में चले जाए। कितने रुपए देने पड़ते हैं? 5 रुपए। 5 रुपए देते हैं? सफाई वफाई करने आता है कोई? नहीं। तो कैसे करते हो आप लोग? ऐसे ही बैठे नाक बंद कर करते हो, क्या करेंगे? आपको नाक बंद तो मजदूरी होती है। आप घर में कभी गए तो ऐसे तो हमारे घर में शौचालय है, मगर हम इधर उधर कहीं लग गई जब मजबूरी है तो बैठते पास में रहते हैं, गंदगी में नाक मुंह बंद करके बैठते भरा रहता है। किसी की शिकायत नहीं करी आपने? किसी किसे शिकायत करे? प्रधानमंत्री रुपया का लिखा हुआ है कहीं उसमें? प्रधानमंत्री जी और योगी जी आपके ऊपर हंस रहे हैं क्या? ना, हमारे पर क्यों हंसेंगे? क्यों कह रहे हैं ना कि देखो मैंने साफ नहीं कराया इसके बाद तुम यहाँ बैठ रहे हो? जी नहीं साहब, ऐसा उन्होंने साफ नहीं कराया, कर्मचारी नहीं साफ करा रहा, समस्या इस चीज की। आप स्थिति देख लो, आप यहाँ आप देख लीजिए, ये नीचे दिखाइए जरा कितनी गंदगी पड़ी हो, जाने वाले रास्ते पे ही कितना गंदगी पड़ी हो। अगर वाकई ये सफा हो, देखो कुत्ता भी कितनी शिद्दत से अंदर गया, ये भी करेगा जाके कुछ ना कुछ। तो ये पूरी गंदगी पड़ी हो, कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, इनसे हम पूछ लेते हैं आप लोग इसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, जाते हैं भैया। सफाई की स्थिति कैसी रहती है भैया? कभी जाते कभी उठते, जो कोई बैठता वही सफाई करता, जो नहीं बैठता पड़ा रहता है ऐसा। जो कोई बैठता वही सफाई करता, नहीं तो ऐसे पड़ा रहता है। और क्या, करने के लिए नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ पर। अच्छा, तो सर डरने वाली कौन सी बात? जो बात है तो साफ है, सब अंधेरा पड़ा है। अच्छा अपना मोबाइल लेके जाते हैं? लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? अच्छा देखो डरने वाली, अच्छा डर किससे रही? अच्छा ये तो बता दो, चलो बात नहीं आने कोई बात नहीं। अच्छा डर किससे रही? ये लोग को किसके डर लग रहा भाई? आपको किससे डर लग रहा ना बोलने? मतलब जो बैठता है, जैसे कि वो जो पहले बैठता था, मतलब ऐसे ही डर लग रहा कि कोई हम लोग से लड़े ना इस वजह से। अच्छा तो लड़ने के लिए कौन आएगा? अच्छा आपके पता है? नहीं, हम लोग किराएदार हैं, खुद का घर नहीं है इस वजह से। है ना भैया, इसमें कोई ना, हम लोग तो किराएदार हैं, आज है कल नहीं है। अब ये इसमें जो बैठेगा वही सफाई कराएगा, कोई बाहरी आदमी थोड़ी कराएगा। अब जो बैठता है वो अपना सफाई करा, पिछले दिन कोई दूसरा बैठा 2-4 महीने, और 2-4 महीने के बाद में आप दूसरे भाई के पास गई, तो जब उसको पैसा मिलेगा तभी तो सफाई कराएगा। अच्छा, मतलब यहाँ का नहीं मिलेगा तो कहाँ से सफाई करेगा? जो पहले बैठा सुनो, परमानेंट कोई नहीं बैठता। हाँ बस यही बात है, परमानेंट कोई नहीं बैठता। महीने की पेमेंट, अब जो दूसरा बैठा तो जब उसको मिलेगा तभी तो सफाई कराएगा। अब लाइट नहीं तो आप क्या यहाँ महीने महीने के पेमेंट देती हो क्या? अब जैसे एक बार कोई जाता है तो उतने पड़ता है? हम लोग 150 का कार्ड है, एक व्यक्ति का 150 का कार्ड है कि एक परिवार, नहीं परिवार का 150 का। अच्छा तो वो लेके चला गया पहला वाला, जो पहले बैठा था वो ले गया, अब जो बाद में बैठा है उसको जो मिलेगा तो तभी तो सफाई कराएगा। अब दूसरा जो पहले वाला बैठा था, कोनो बल्ब वल्ब सब रात में खोल ले गया, तो वो दूसरा वाला क्या थकेगा? कुछ कहेगा? कुछ नहीं कर पाएगा।
भाई यहाँ पे आपका कहना ये ठीक है, चलो मान लो लेके चला गया, लेकिन जिसने भी ठेका लिया सब देख के लेना चाहिए था ना कि तुम्हें एक महीने का है कि नहीं है, कि सफाई करानी है कि नहीं है। तो फिर बहानेबाजी है ठेकेदार की या जिसने भी ठेका लिया है, वो ना कराने के उसके चोचले हैं, ना कराने के उसके केवल बहाने हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इस वजह से लड़ाई है यार, लड़ाई ये चाहते खुद ही देख लो, आप खुद ही सब कुछ देख रहे, हम लोगों ने कैसे थोड़ी नहीं है, देख लो खुद ही आप। बदल दो पार्षद, बदल दो विधायक और क्या, मत देना वोट किसी पर। नहीं आप खुद ही देखो, आप देख लो हम कहा के लिए वोट दे, एक वोट देना कितना कीमती रहता है। सही बात है, हाँ बात सही कह रहे हो और क्या। सफाई के लिए इस बार वोट दो आप लोग, कोई नहीं बोलने वाला, कोई बोलता ही नहीं है भैया, बताए साफ बात, कोई नहीं बोलता यहाँ पर। आप तो परेशान हो लेकिन ना, हम क्यों परेशान है, आप तो किराएदार नहीं हो। नहीं मेरा तो मकान, आपका मकान है इसलिए बहुत ज्यादा। आप भैया केयर टेकर हो क्या? मेरा मकान है, शौचालय। आप केयर टेकर हो क्या? अच्छा आप करने आए हैं, कर यार इत्मीनान से करिए, कैमरा वगैरह ना करना। तो ये व्यक्ति हैं जो लोगों को मैंने दिखाया है आपको, स्वच्छ कानपुर की तहत यहाँ पे जो बनाया गया है, मैंने कहा नगर निगम के माध्यम से ये बनाया गया है, कानपुर का सबसे बड़ा शौचालय है। लेकिन स्थिति आपने देखी, यहाँ कोई नहीं है। एक लोगों का कहना है कि भैया जब कार्ड बने थे तो पहले कोई और केयर टेकर रहा होगा, वो पैसा लेके भाग गया है, फिर दूसरे के हाथ में आया है, उसके पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई आओ तो कम से कम लोगों से बात तो करो, आके उनसे पैसा लो, सफाई कराओ, कब तक इस गंदगी में पड़े रखोगे सब इसको। तो ऐसे और लोगों से ऐसी और दुर्दशा दिखाने के लिए बने रहें कवि न्यूज़ के साथ।